पौड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि सभी जगह टीमें नियुक्त कर दी गई हैं। यदि कोई वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लाइसेंस और परमिट भी निरस्त किया जाएगा। टीमें लगातार वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 32 सीटर सवारी है, उसमें 50 लोग जा रहे हैं। हमें इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो एक बारात की बस थी, तो बारात की बस में हमें हमारी चेकिंग का तो हमें दुरुस्त करना ही है कि ऐसे कोई भी वाहन जो कि इतने ओवरलोड जा रहे हों और कई चेक पोस्टों से निकल जाए, ये इस पर हम लोगों को बहुत विचार करना पड़ेगा कि आगे हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कोई वाहन ना जा पाए।